नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन। केदारनाथ में हो रही भारी बर्फबारी, बावजूद इसके लगातार पहुंच रहे हजारों की संख्या में श्रद्धालु। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर सिरफिरे ने की हमले की कोशिश, लोगों ने की जमकर पिटाई। सीढ़ियों पर लड़खड़ा कर गिरने लगे सीएम धामी, तो एसओजी ने संभाला। देहरादून में डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ का प्रदर्शन, अपनी समस्याओं को लेकर किया सचिवालय कूच। उत्तराखंड में देहरादून गड़ी कैंट के डाकरा बाजार में एक सरफिरे की पिटाई का वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि युवक ने कई दुकानों में घुसकर सामान उठाया, इसके बाद युवक ने कई लोगों के साथ मारपीट भी की। दुकान पर बैठे दुकानदारों पर भी वार किया। इसी दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी वहां से गुजर रहे थे, तभी सरफिरा युवक कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की ओर बढ़ा, जिसके बाद इस युवक ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर भी हमले की कोशिश की। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने सरफिरे युवक को पकड़ने का प्रयास किया। इस दौरान भीड़ ने उसे वहां से हटाया, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री के सामने ही युवक की जमकर धुनाई कर दी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद युवक को कैंट थाना ले जाया गया। कैंट कोतवाली के इंस्पेक्टर संपूर्णानंद गैरोला ने बताया कि युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। युवक ने अपना नाम इमरान बताया है, जो बिजनौर का रहने वाला है। हरिद्वार के लक्सर थाने में घटित चौहरे हत्याकांड का खुलासा हो गया है। आपको बता दें, इसमें शामिल दो कुख्यात हत्यारों को देवबंद उत्तर प्रदेश से दबोच लिया है। आपको बता दें कि अभियुक्तों द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर 21 मई 2021 को खेड़ी खुर्द में चार लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। एक साथ चार लोगों की हत्या करने के बाद अभियुक्त फरार हो गए थे। हत्याकांड को अंजाम देने वाले कई अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कुछ अभियुक्त अभी भी पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहे थे, जिनके विरुद्ध कुर्की के आदेश जारी किए गए थे। आपको बता दें कि इस हत्याकांड में फरार चार हत्यारों को अब तक एसटीएफ द्वारा पकड़ लिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्टफोन देने की कवायद शुरू हो गई है। बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण अभियान के तहत कई एप्लीकेशन संचालित करने होते हैं, साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र भी डिजिटल होते जा रहे हैं। राज्य और केंद्र पोषित योजनाएं भी ऑनलाइन माध्यम से ही ऑपरेट हो रही हैं। इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है। जैसे ही केंद्र सरकार की अनुमति मिलेगी, उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को पोषण अभियान के तहत में विभिन्न प्रकार के ऐप उस मोबाइल के माध्यम से संचालित करने होते हैं, और अब लगभग आंगनबाड़ी केंद्र भी डिजिटलीकरण की ओर बढ़ चुका है, और केंद्र पोषित योजनाएं और राज्य पोषित योजनाएं अब लगभग जो है वो मोबाइल से ही डाटा, उसकी एंट्रीज होना और उसकी रिपोर्टिंग करना, ये सब चीज़ें जो है अब मोबाइल के माध्यम से किया जा रहा है। मैं समझती हूँ कि 2018 से ही हमने इस व्यवस्था को लागू कर दी थी, जिसका फंड भारत सरकार की ओर से प्राप्त हो रहा था, क्योंकि 2018 से लेकर अभी तक का काफ़ी लंबा समय जो है वो 5-6 साल का बीत चुका है, जिसमें मोबाइल में कई सारी चीज़ों को लेकर दिक्कतें आई हैं। मोबाइल अपनी वो स्पीड नहीं पकड़ पा रहा है, मोबाइल की चार्जिंग कैपेसिटी कम है, मोबाइल नए मॉडल में उतने फीचर्स उस पर नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से एक मीटिंग रखी गई थी, और उस मीटिंग में केंद्रीय मंत्री जी स्मृति ईरानी जी के समक्ष भी हम लोगों ने ये विषय रखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप प्रस्ताव बनाकर भेज दें। तो प्रस्ताव बनाकर विभाग भेज चुका है, और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द उसकी स्वीकृति मिलेगी। और जो एडवांस टेक्नोलॉजी में अब मोबाइल जो आए हैं, जिसमें हमारे विभागीय योजनाओं को संचालित करना सरलता के साथ संभव हो पाएगा, तो हम लोग शीघ्र उसकी स्वीकृति के साथ में आंगनबाड़ी बहनों को मोबाइल देंगे, ताकि वह अपने काम को जो है सरलता के साथ कर सकें। अब खबर उत्तरकाशी के पुरोला से है, जहां लगातार जनता में आक्रोश बना हुआ है, जिसके चलते व्यापार मंडल समेत विभिन्न संगठनों ने बाजार बंद रखने का निर्णय लिया। बाजार बंद रखते हुए जिला मुख्यालय में जमकर जुलूस प्रदर्शन किया। इस दौरान पूरे बाजार में जय श्री राम के नारों की गूंज भी सुनाई दी। जुलूस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी शामिल हुए। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया, डीएम को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। बता दें कि पिछले दिनों पुरोला में बाहरी प्रदेश के 2 युवक स्थानीय नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर और भगाने का षड्यंत्र रचते हुए पकड़े गए, जिससे स्थानीय दुकानदारों सहित नगर के सभी संगठनों में बाहरी समुदाय विशेष के दुकानदारों के प्रति आक्रोश पनप उठा है। वहीं पुरोला में मुस्लिम समुदाय के व्यापारियों का कहना है कि पुलिस और प्रशासन की ओर से मुस्लिम समुदाय के व्यापारियों को सुरक्षा का अभी कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है। पुरोला में गारमेंट, नाई, फल, सब्जी, मोटर मैकेनिक सहित 40 से अधिक मुस्लिम व्यापारियों के प्रतिष्ठान है। मुस्लिम व्यापारियों का कहना है कि पुरोला में जुलूस प्रदर्शन के दौरान जुलूस में शामिल कुछ व्यक्तियों द्वारा मुस्लिम व्यापारियों के प्रतिष्ठानों के बोर्ड और बैनर भी फाड़े गए हैं, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जो घटनाक्रम पुरोला का हुआ, उसको लेकर के व्यापार मंडल द्वारा बंद का आह्वान किया गया था। आम जनता व्यापारी ने इसमें बड़ी संख्या में भागीदारी करी। ये खाली पुरोला वाला ही एक केस नहीं, इसके तुरंत बाद आप ये देखें कि विकास नगर में भी एक केस सामने पर आया। हमारे जिसमें नाबालिग
बहनों को जिहादी मानसिकता के धर्म विशेष के लोगों द्वारा बढ़ाने का कार्य किया गया है और ये पहले से भी ये चलता हुआ आया है और इन घटनाक्रम को लेकर के यहाँ की आम जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ उत्तरकाशी में भी एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करने का। सुनियोजित तरीके से जो धर्म विशेष के लोग हैं उनको यहाँ और जिनके जिहादी मानसिकता लोगों को यहाँ बसाने का कार्य यहाँ किया जा रहा है और धीरे धीरे इनकी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। आज एक आ रहा है, कल वो 10 लोगों को बुला रहा है, फिर वो 10 लोगों को बुला रहा है। अगर ऐसा ही ये चलता रहा तो आने वाले वक्त में यहाँ की जो पहाड़ी जो मूल जनता है वो अल्पसंख्यक ना हो जाए, इसीलिए ये आक्रोश जो जनता के बीच में पहले से भी था वो आज यहाँ हमने कलेक्टर में प्रदर्शन उसका किया है और जिलाधिकारी महोदय को भी हमने कहा है कि अगर इसमें कोई अतिशीघ्र कोई कार्रवाई नहीं हुई होती तो आज एक शुरुआत ही ये आंदोलन की। ये आंदोलन बहुत उग्र रूप में यहाँ पर आज देखने का ये मिला है कि उत्तरकाशी जो 20 साल पहले था वो नहीं रह गया। कदम कदम पे मांस की दुकानें और ये कबाड़ियों की दुकानें, ये जिहादी मानसिकता वाले लोग यहाँ पे मतलब इतना गलत काम कर रहे हैं, ये ड्रग्स का नशा वगैरह ये सब ट्रेड कर रहे हैं। तो हमने डीएम साहब को भी ये ज्ञापन दिया था कि ये इसमें 18 मांस की दुकानों के जो अवैध मांस की दुकानें चल रही इसके लिए ये सितंबर का लेटर जारी हो रखा, लेकिन ये लेटर अभी सितंबर का जारी हो रखा लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सुशाड़ा में कदम कदम पे मांस की दुकानें, जब बाहर के सारे टूरिस्ट हमारे उत्तरकाशी धर्मनगरी में आते हैं तो क्या अब उनसे हमें जो बोलते हैं कि ये उत्तरकाशी धर्म की नगरी कैसे है? कदम कदम पे मांस की दुकानें, जो भी जा रहा अवैध मांस की दुकानें ये है, कबाड़ियों की दुकानें ये, मतलब अतिक्रमण इतना कर रखा बैंक वाली रोड एक बार रोड में पूरी सब्जियाँ उन्होंने जमीन पे बिछा रखी पूरी सब्जियाँ, आने जाने के लिए बिल्कुल जगह नहीं हो रही। जब उनसे पूछा जाए कि आप फोन हो आधार कार्ड दिखाओ तो बिल्कुल हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते। आज हम शासन प्रशासन को बिल्कुल अब खबर हल्द्वानी से है जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हल्द्वानी दौरे का यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश उपाध्यक्ष हेमंत साहू की अगुवाई में विरोध की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक भारी पुलिस फोर्स हेमंत साहू के राजपुर आवास कार्यालय में पहुंची। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस फोर्स में जमकर धक्का मुक्की हुई। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को कार्यालय में नजरबंद कर लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री वापस जाओ, गरीबों के घर उजाड़ना बंद करो जैसे नारे उनके द्वारा लगाए गए। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हेमंत साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी हवाई दौरे कर सरकारी खजाने को बर्बाद कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री को युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने, गरीबों के घर टूटने से बचाने, स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करने और टूटी फूटी सड़कों को ठीक करने और अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच करवाने के लिए ठोस नीति बनानी चाहिए थी। मुख्यमंत्री जी लगातार हवाई दौरे कर रहे, जनता बिजली पानी स्वास्थ्य के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, जनता परेशान है और मुख्यमंत्री जी हवाई दौरे कर जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? सड़कें टूटी फूटी हैं, स्वास्थ्य सेवा बदतर ज्यादा बदतर होती जा रही है, अंकिता भंडारी हत्याकांड का कोई खुलासा नहीं हो सका, सही से उसके जो हत्यारे हैं उनको फांसी की अभी तक सजा नहीं हो पाई, सीबीआई जांच कराने से मुख्यमंत्री लगातार बच रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच से क्यों बच रही है? यानी करते हैं तो तमाम घोषणाएं करते हैं लेकिन उन घोषणाओं का कोई अमल नहीं होता, तो इस बात का हम लोग विरोध कर रहे हैं। युवा आज बेरोजगारी की मार झेल रहा है, महंगाई की मार झेल रहा है, समस्याओं से निपटने के लिए मुख्यमंत्री का ध्यान होना चाहिए, लेकिन वो हवाई दौरे कर सरकारी धन को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं जिसका यूथ कांग्रेस लगातार विरोध करता है। हम मांग कर रहे हैं प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ठीक किया जाए, शिक्षा के स्तर को सुधारा जाए, टूटी फूटी जो सड़कें हैं जानलेवा सड़कें उनको ठीक करने का काम किया जाए। मुख्यमंत्री हवाई दौरे के बजाय जनता की समस्याओं के डरते हैं, धामी जी की सरकार डरती है तो हमेशा पुलिस के साथियों को आगे करने का काम करते हैं। आज पुलिस को आगे कर हम लोगों की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है, हम लोगों के यहाँ पर हाउस अरेस्ट किया गया है, हम लोगों ने यहाँ पर विरोध किया है और लगातार हम लोगों का जनहित में विरोध और प्रदर्शन जारी रहे। अब खबर पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी से है जहां जोहार सांस्कृतिक संगठन पिथौरागढ़ द्वारा 10 और 11 जून को मुनस्यारी के मेसर कुंड की सफाई की जाएगी। इस अवसर पर कुंड में वृक्षारोपण का कार्य भी किया जाएगा। बचाओ मेसर कुंड के नारे के साथ प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर को बचाने का ये अनूठा प्रयास किया जा रहा है। जोहार सांस्कृतिक संगठन के अध्यक्ष भूपाल सिंह बरपाल की अध्यक्षता में जोहार कॉलोनी पुलिस लाइन स्थित कार्यालय में आयोजित बैठक में तय किया गया कि 10 और 11 जून को मेसर कुंड की सफाई की जाएगी। अब खबर मसूरी से है जहां मसूरी माल रोड के सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण के कार्यों में हो रही देरी को लेकर मुख्य सचिव द्वारा पूर्व में नाराजगी जताई गई थी, जिसको लेकर मुख्य सचिव एसएस संधू द्वारा जिलाधिकारी देहरादून सोनिका सिंह और एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंसीधर तिवारी सहित कई अधिकारियों के साथ मसूरी माल रोड पहुंचे और माल रोड से लेकर गांधी चौक से पिक्चर पैलेस तक का निरीक्षण किया। वहीं अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। इस मौके पर मसूरी के कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने माल रोड पर पुनर्निर्माण के कार्यों में हो रही देरी को लेकर अधिकारियों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मसूरी का पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है, अभी भी माल रोड के पुनर्निर्माण का काम काफी बचा है, ऐसे में अगर काम जल्दी पूरा नहीं कराया गया तो मसूरी का पर्यटन सीजन भी प्रभावित होगा। पड़ी है और कोबलस्टोन का काम हो रहा है और सीवर वाटर सप्लाई सारा कुछ नया पड़ा है, इसलिए
समय से ज़्यादा समय लग गया है जितना लगना चाहिए, तो सभी अधिकारियों को कहा है कि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करें, और पर्यटन सीजन भी आ रहा है और आज ये देखने का यही मकसद है कि जल्दी काम हो और अच्छी गुणवत्ता वाला काम। ये सर भी आए थे और जैसे कि ये माल रोड का काम चल रहा है और थोड़ा डिलेड है, इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्टर तो है ही, साथ में बरसात भी कंटिन्यूसली चलती जा रही है, तो अब हमारे एक्सचेंज यही रहेंगे। उनको इंस्ट्रक्शन हैं कि वो जब तक काम पूरा नहीं हो जाता यहीं पे रहेंगे। इसके बाद एक AE की भी तैनाती यहाँ पर कर दी गई है और हमारे जॉइंट मजिस्ट्रेट यहाँ पर हैं जो कि कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करेंगे, जिससे कि जो सीज़न आ रहा है उसमें लोगों को कम तकलीफ। बेसिकली तालमेल सारे डिपार्टमेंट्स यहीं हैं, सबके साथ इंटरेक्शन है, लेकिन यहाँ पे यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है और वो ज़मीन के नीचे है और कहीं किसी रिकॉर्ड में नहीं है। इस वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पाइपलाइन या कोई बिजली की लाइन कट जाती है, लेकिन कोऑर्डिनेशन एज सच, क्योंकि यहाँ जॉइंट मजिस्ट्रेट यहीं पर पोस्टेड हैं और यहीं रहते हैं, तो सभी से बातचीत करके काम होता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अननोन है, डिपार्टमेंट को भी नहीं पता होता उस जगह कुछ है या नहीं है, इसलिए थोड़े इशूज़ आते हैं। तो यहाँ पर जितने हमारे सारे सब डिविजन्स हैं और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे UJVNL हो गया, इरीगेशन हो गया, सभी से ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि जितनी भी ज़मीन उनकी सरकारी है उसके अंदर जो अतिक्रमित पार्ट है उसकी पूरी डिटेलिंग कर ली जाए, और जैसे जैसे SDM और पुलिस की ज़रूरत पड़ती है हमसे ले लिया जाए। तो हम रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे अतिक्रमण हट रहा है, वन विभाग का भी और राजस्व विभाग का भी। मैंने जैसे कहा कि एक तो बरसात जो है कंटिन्यूसली हो रही है, और दूसरा कि जैसे ड्रेन जो बीच में छूट गए थे जो कि प्रोविजन नहीं था वो दोबारा डाल दिया गया है, और बहुत सारी चीज़ें जो मिसिंग थी वो सब अब ऑलमोस्ट कंप्लीशन उसमें आ गई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगले 15 दिन में ये रोड बहुत अच्छी दिखने लगी। खबर मसूरी से है, जहां उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी का मसूरी पहुंचने पर मसूरी भाजपा कार्यकर्ताओं ने, इस मौके पर रितु खंडूड़ी द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं से आगामी नगर निकाय और लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान किया गया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहा कि यमुनोत्री और बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए जा रही है। लौटते वक्त भराड़ीसैंण में बाल आयोग के द्वारा बाल विधानसभा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के 70 बच्चे प्रतिभाग करेंगे। उन्होंने बताया कि बाल विधानसभा में विधानसभा के कार्यों के बारे में जानकारी के साथ ही मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष का क्या दायित्व होता है ये भी बच्चों को बताया जाएगा। लोकतंत्र में विधानसभा सत्र की क्या महत्ता है, इस पर बच्चे अपनी बात रखेंगे और उनके द्वारा विधानसभा में इसे बताया भी जाएगा। मसूरी होते हुए, धनौल्टी होते हुए मैं आज हरसिल पहुंचूंगी। रात का मेरा स्टे हरसिल में है। कल गंगोत्री दर्शन करने के बाद फिर टिहरी पहुंचूंगी, और घनसाली होते हुए फिर मैंने बद्रीनाथ जी पहुंचना है, और लौटते वक्त गैरीसैंण, भराड़ीसैंण, गैरीसैंण जाऊंगी। और आप सबको बताते हुए मुझे बहुत आनंद भी आ रहा है कि इस बार 5 और 6 तारीख को 70 बच्चे वहाँ पर बाल विधानसभा का एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, बाल आयोग द्वारा आयोजित हो रहा है। तो इस प्रदेश के 70 बच्चे वहाँ पर पहुँचेंगे। विधानसभा कैसे चलती है, मुख्यमंत्री जी का क्या दायित्व होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन का क्या दायित्व होता है, कैसे विधायक सदन में बोलते हैं, डेमोक्रेसी में सदन की, सत्र की क्या महत्ता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बच्चों के द्वारा दिखाई जाएंगी हम पूरे प्रदेशवासियों को। तो मुझे बहुत खुशी है कि गंगोत्री दर्शन करते हुए और बद्रीनाथ करते हुए मैं भराड़ीसैंण इस कार्यक्रम के लिए पहुँचूँ। मैं तो कहूँगी बहुत ही ज़बरदस्त सफलता की तरह से चल रही है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, लोग पहुँच रहे हैं, केदारनाथ जी पहुँच रहे हैं, बद्रीनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री पहुँच रहे हैं, और बहुत खुशी की बात है। मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह की कोई दिक्कत है, ना सुनने में आई है, और प्रयास प्रशासन का, सरकार का बहुत ज़बरदस्त है कि जितने भी यात्री यहाँ पहुँच रहे हैं उन्हें पूरी तरह से सुविधा मिले और बहुत अच्छे से उनके दर्शन हों। ये चुनौती तो हर चुनाव होता ही है, और हम सब मुस्तैद हैं, पूरी तरह से तैयार हैं, और पूर्ण विश्वास रखते हैं कि नगर निकाय में भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ जीत होगी, और मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना निश्चित है। देखिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से इस देश में विकास किया है, डेवलपमेंट की ओर हम बढ़े हैं, आज वो नींव बन गई है कि 2047 में हम एक डेवलप्ड नेशन कहलाएंगे, उसकी नींव पड़ रही है, और हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म को साथ लेते हुए वो चल रहे हैं, और एक विकसित भारत की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं।
उधम सिंह नगर के किच्छा से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। जिस बेटी को पिता अपने कलेजे का टुकड़ा समझता था, उसी के पिता ने अपने पुत्र के साथ मिलकर बेटी का गला घोट दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की बात सामने आने पर ऑनर किलिंग का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया, जबकि हत्या आरोपी भाई अभी भी फरार है। घटना का खुलासा करते हुए एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोटके के मुताबिक 22 मई को फूलभट्टा थाना क्षेत्र सिरोली कला में निवासी गुड्डू पुत्र मोहम्मद ने थाने में तहरीर देकर कहा कि उसकी 14 वर्षीय भांजी को पिता जाकिर और उसके पुत्र यूनस ने मारकर कब्रिस्तान में दफना दिया है। तहरीर पर एसडीएम की मौजूदगी में शव कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि उसकी गला घोटकर हत्या की गई है, जिस पर आरोपी जाकिर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसकी पुत्री फोन पर मोहल्ले के ही एक युवक से बातचीत करती थी। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। मना करने पर जब वो नहीं मानी तो उसने अपने पुत्र यूनस के साथ मिलकर उसका गला घोट दिया और किसी को शक न हो इसके चलते आनंद फानंद में दफना भी दिया। आप सभी को अवगत है कि पिछले दिनों पुलभट्टा क्षेत्र में एक शिकायत हमें प्राप्त हुई थी, एक सूचना दी गई थी कि एक महिला एक बालिका की डेथ हुई है और इसका जो है दफन किया गया, लेकिन इसकी कोई सूचना पुलिस को भी नहीं दी गई है और निकट के परिजनों को भी नहीं दी थी, तो इसमें आशंका व्यक्त की गई थी। और इसी क्रम में फिर हमने 176(3) धारा CRPC के अंतर्गत मैजिस्ट्रेट के सामने जो है एग्जुमेशन की कार्रवाई करी थी। दफनाई गई बॉडी को हमने फिर से लिया था कब्जे में और इसका पोस्टमार्टम के लिए हमने कार्रवाई करी। पहले रुद्रपुर में इसके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, लेकिन वहाँ पे चूँकि बॉडी पुरानी हो चुकी थी इसलिए फिर यहाँ इससे सुशीला तिवारी हॉस्पिटल हल्द्वानी भेजा गया और वहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद ये जो सामने आया है, तथ्य सामने आया कि ये जो है एक हत्या का मामला है और इसमें तहरीर प्राप्त होते ही हमने मुकदमा लिखा है, आवश्यक कार्रवाई की है। इसमें जाकिर अली जो है जो पिता हैं उसको हमने गिरफ्तार किया है और दूसरा जो अभियुक्त है यूनुस अली जो इसका भाई है मृतका का, उसको उसकी तलाश जारी है और उसको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। तो बेसिकली ये एक ऑनर किलिंग जिसे कहते हैं, तथाकथित ऑनर किलिंग, ये तो डिसऑनर किलिंग भी कहते हैं इसे, ऑनर तो अलग बात हो गई, ये डिसऑनर किलिंग ज़्यादा उचित शब्द है का ये मामला सामने आया है और इसमें पुलिस और प्रशासन ने बहुत ही इफेक्टिव स्टेप्स लेके इस पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। और इससे ये मैसेज जाता है कि आप कितना भी तथ्य और सच्चा को छुपाएंगे, लेकिन कोई भी अपराध करेंगे तो भले ही कितना उसमें 2-3 दिन टाइम लगे, लेकिन अपराधी कोई भी बच नहीं पाएगा और कानूनी प्रक्रिया से कोई भी परे नहीं है। कि वही मैं कह रहा हूँ कि जो डिसऑनर किलिंग या ऑनर किलिंग जिसे तथाकथित कहते हैं, ये है कि पिता को आशंका थी कि लड़की का कहीं पे बाहर किसी के साथ मिलना जुलना या प्रेम प्रसंग होने की संभावना है, तो इस आशंका की वजह से ये करने का मामला सामने आया है। इसमें विवेचना जारी है, आगे भी अभियुक्त गिरफ्तारी और फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। अभी तक की खबरों में इतना ही, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। तब तक के लिए नमस्कार।